तो यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 17 जुलाई और अभी टाइम हो रहा है 11:30 के आसपास। तो अभी हम लोग हल्द्वानी से निकल रहे हैं रामनगर की तरफ। रामनगर से पहले जाना है हमने गेवुआ अपने घर। तो फिलहाल अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से रामनगर है करीब 52 किलोमीटर, और हमने रामनगर से पहले ही जाना है तो करीब यहाँ से शायद 34-35 किलोमीटर के आसपास होगा। तो 1 से 1.5 घंटा लगने वाला है हमें यहाँ से वहाँ पहुँचने में। तो ये पकड़ ली यहाँ से हमने रामनगर वाली रोड। तो अब चलते हैं यहाँ से होले होले। और काफ़ी टाइम से यूट्यूब पर भी कोई वीडियो नहीं आ रही अपने चैनल पे, 3-4 महीने हो गए लगभग, क्योंकि टाइम नहीं हो पा रहा है, थोड़ा ऐसे बिजी चल रहे हैं। तो घर पर भी नहीं है आजकल, इधर उधर जाना हो रहा है, लेकिन वही वीडियो बना रहे हैं लेकिन एडिट करने का टाइम हो नहीं रहा, तो इस वजह से कोई वीडियो आ नहीं पा रही है। कि बहुत जल्द आएंगे हम अपने पुराने अवतार पर, महीने में 3 से 4 वीडियो लेकर आएंगे हम आप लोगों के लिए। तो चैनल पर बने रहिएगा, साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वीडियो कर लो लाइक। यहाँ से किधर को जाना है? सीधा अंदर को कि सीधा इधर को? यार रामनगर सीधा। थैंक यू। काफ़ी टाइम बाद हाईवे की तरफ निकले हैं, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। और आसपास इतने हरे भरे पेड़ पौधे देख के देख सकते हो कितना ही सुंदर लग रहा है नज़ारा। बाइक ये है काला डूंगी मार्केट, यहाँ से रामनगर 31 किलोमीटर। रामनगर 31 किलोमीटर है, तो हमने जाना है पहले ही रामनगर 14 किलोमीटर पहले, 15 किलोमीटर के आसपास और जाना है हमें यहाँ से। तो अरे पहुंच चुके हैं हम अभी बैल पड़ाव अपने घर। यहाँ से थोड़ा सा ही है बस, घर पहुंचते ही हमको खाने को मिले आम। तो पहले हमने आम लपेटे, उसके बाद हम बैठे, तो उसके बाद दिखता है हमको यहाँ पे बहता हुआ पानी। तो हम सोचते हैं इसी पानी से क्यों ना बाइक धो ली जाए, क्योंकि बाइक काफ़ी टाइम से धोई भी नहीं थी, तो अभी मिल रहा था मौका, धोते हैं। तो यहाँ पर दिखती है हमको एक छोटी सी गिलहरी, जो हमें दिख के काफ़ी डरी डरी सी लग रही है, इसलिए हमने दूर से ही जूम कर रखा है। देख सकते हो कितनी छोटी सी है, फर्स्ट टाइम देखी आज मैंने। के बाद लगाती है हमारी आमा हमको हरेला। तो हरेला क्या है आप सभी को पता ही होगा, जिसे नहीं पता है वो देख लो। हाँ उसके बाद खाया हमने मस्त दाल चावल। तो यहाँ पर आम के पेड़ के नीचे मस्त छाव में आसकी लग जा रही है, देख सकते हो बढ़िया। तो भाई सभी निकल रहे हैं हम घर से हनुमान धाम की तरफ, रास्ते पे रुके थे, कैमरा लगाया, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है क्योंकि ये पीछे से कोई नहीं आ रहा है। तो निकलते हैं अब सीधे हनुमान धाम की तरफ। टाइम हो रहा है अभी 3:30, ठीक ही हो रहा, मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं है, नॉर्मली है यहाँ की तरह मौसम। तो चलते हैं फटाफट से, 5 मिनट में वापसी करेंगे।
हम पहुंच चुके हैं हनुमान धाम। यहाँ से है 1.5 किलोमीटर आगे से अंदर हुआ। हनुमान धाम के लिए रास्ता चौराहे से नीचे को, ठीक है थैंक्स। तो दूर से दिख जाएगा वो तो हमें। तो गाइस हम ऐसे टाइम पर आए जिस टाइम पे पीछे से धूप पड़ रही है और वीडियो में साफ आ नहीं रहा होगा, तो हम लोग अंदर आ चुके हैं, देख सकते हो सभी लोग फोटो वगैरह खींचने में लगे हैं। और ये लेकर आए हम प्रसाद, देखते हैं कहाँ जाना है। जूते वगैरह तो यहीं पर खोलना है, खैर जूते वगैरह खोलते हैं यहाँ पर, उसके बाद जाएंगे अंदर। तो खोले हमने जूते और नीचे टाइल इतने गर्म हो रहे हैं, पाँव जल रहे हैं पूरे, मतलब समझ सकते हो फीलिंग हमारी। सामने है पानी, हाँ से शॉर्ट आया। बढ़िया दर्शन वगैरह करने के बाद हम लोग निकल पड़े यहाँ से हल्द्वानी की तरफ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं आपसे ऐसी नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।